नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के की प्रश्नावली 9.1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 9.1 में पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, देखिए इसका बगल में आकृति भी दिया हुआ है, तो इसको हम आकृति बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर एक में ये आकृति है, ए बी सी, और ये 20 मीटर, ठीक ना, ये डोरी है और 30 डिग्री का ये कोण बना हुआ है। ठीक ना, तो ये डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी है, इस पोल के यहाँ से और ज़मीन पर यहाँ से बंधी हुई है, एकदम अच्छी तरह टाइट करके बांधा हुआ है। ठीक ना, तो बोलता है इसमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंभे की ऊंचाई है, वो ज्ञात करना है अपने को। ठीक ना, तो देखिए इसको लिख लेते हैं। पहले देखिए जो कुछ दिया है प्रश्न में, इसके बारे में पहले लिखा जाता है यहाँ पर। तो लिखते हैं, माना ए बी खंभे की ऊंचाई है, एवं ए सी, डोर की लंबाई है, है ना, डोर मतलब रस्सी की लंबाई है, ठीक ना। और देखिए रस्सी की लंबाई भी दे रखा है, तो लिखेंगे ए सी बराबर 20 मीटर, और ये कोण कितना दिया है, ए सी बी बराबर 30 डिग्री, है ना। तो अब हमको ए बी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये समकोण हो गया, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देखिए हमको ये भुजा ज्ञात करनी है, इस भुजा को ज्ञात करनी है और ये भुजा दिया हुआ है। तो देखिए ये है कण, ठीक ना, और ये है लंब, ठीक ना। तो हमको इसमें ऐसा कोई अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना है जिसमें लंब भी आता हो और कण भी आता हो, ठीक ना। तो देखिए ये होता है लंब बटे अगर कण लें तो साइन का माना जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी बटे ए सी, है ना, ये लंब बटे कण, है ना, इसमें यही ज्ञात किया जाता है। इसमें एक भुजा ज्ञात है और एक भुजा ज्ञात करनी है। देखिए इसमें ए बी लिया और इसमें ए सी लिया, और ये होता है साइन का, और साइन पर कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री, तो इसको हम लिख लिए। अब इसमें जिसका जो मान दिया उसको रख लेते हैं, ए बी नहीं दिया है, ए सी कितना दिया है 20, बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब इसका तिरय गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2AB बराबर 20, और 2 को पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो गया AB बराबर 20/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 20, इस प्रकार AB बराबर 10 आ गया। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए लिखा है, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक ना। देखिए एक फोटो बनाते हैं, देखिए ये पूरा पेड़, ठीक ना, ये पूरा पेड़ था यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से पेड़ टूट गया और ये टूट कर ऐसे आके यहाँ जमीन से पर आके झुक गया है, ठीक ना। तो ये हो गया ए बी सी। तो अगर देखें तो
पेड़ की कुल लंबाई ए बी सी है, ठीक ना। अब ये टूट कर यहाँ ये जमीन पर के संग यहाँ टच कर गया, तो इस प्रकार जमीन के संग कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, ठीक ना। जमीन के संग ये टूटा हुआ भाग आकर 30 अंश का कोण बना रहा है। जमीन पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है ना। ये जमीन पेड़ है यहाँ से कितनी दूरी पर इसका शीर्ष झुका है, ये 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो देखिए हमको ये ज्ञात करना होगा और ये ज्ञात हो करना होगा, तब ना पूरा पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए इसमें लिखते हैं, माना ए सी पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है, ठीक ना। और क्या लिखा है, आधी आने से, है ना, आधी आने से पेड़ दो भागों में टूट गया। हाँ, दो भागों में टूट गया, एक ये भाग है और एक ये भाग है। तो लिखते हैं, और सी और ए डैश, है ना, सी ए डैश पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी है, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं, अब देखिए कितना दूरी है, ये लिखेंगे सी ए डैश बराबर 8 मीटर, और कोण कितना का बन रहा है, बी ए डैश सी बराबर 30 डिग्री, ठीक ना। तो अब क्या ले लेंगे, ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए डैश बी सी में, ठीक ना। तो पहले अगर ये ज्ञात करना हो तो लंब बटे आधार 10 होता है, तो लिखेंगे बी सी बटे सी ए डैश बराबर 10 30, है ना, 10 30 डिग्री पर है। अब बी सी ज्ञात करना है और सी ए डैश कितना है, 8 मीटर बराबर 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान 1/3 होता है, ठीक ना। अब इसको हल करेंगे तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी देखिए तिरे गुणा कर रहे हैं, तो पहले करनी 3 × BC बराबर 8 × 1 = 8, तो बी सी बराबर 8/3, ठीक ना। इस प्रकार बी सी आ गया। अब इसको ज्ञात करेंगे ना, बी ए डैश, तो इसमें देखिए ये आधार और ये कण, तो इसमें हम कॉस लगा लेंगे, तो लिखेंगे एवं सी ए डैश बटे बी ए डैश बराबर कॉस 30 डिग्री, है ना, आधार बटे कण, तो ये कॉस होता है और कॉस कितना 30 डिग्री। अब देखिए सी ए डैश कितना है, 8/ बी ए डैश ज्ञात करना है, कॉस 30 का मान कितना आता है, √3/2, ठीक ना। अब तिरे गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो जाएगा करनी 3 × बी ए डैश बराबर 8 × 16, तो ये हो गया बी ए डैश बराबर 16/3, ठीक ना। देखिए अगर मैं इस बी सी और बी ए डैश को अगर जोड़ दूं तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तो लिखेंगे पेड़ की वास्तविक, देखिए यहाँ छूट गया है, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, है ना, ये ऊंचाई है यहाँ, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बराबर लिखेंगे बी सी प्लस बी ए डैश, तो बी सी कितना है, 8/3 + ये हो गया 16/3,
तो इस प्रकार आ गया कर्णी 3 और 8 और 16 24। अब देखिए इसका अब परिमेयकरण कर लेंगे, कर्णी 3 को लिख सकते हैं कर्णी 3 बटे कर्णी 3 है ना, परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 कर्णी 3 और कर्णी 3 कर्णी 3 3, तो 3 एक कम 3 अट्ठे 24। इस प्रकार हो गया 8 कर्णी 3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 कर्णी 3 मीटर हो गया। तो प्रश्न नंबर 2 हो गया, प्रश्न नंबर 3 चेक करते हैं। अब अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए लिखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक ना, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 2 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए? देखिए इसमें क्या है, एक पार्क है उसमें फिसलने के लिए जो बच्चों के लिए होता है फिसलन पट्टी, तो देखिए एक फिसलन पट्टी छोटे बच्चों के लिए है ना, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ये हो गया। इसमें कितनी ऊंचाई दिया है, 1.5, तो लिख दिया 1.5, और लिखा है 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ, अरे फिसलन पट्टी है ना, इसमें बैठकर फिसलते हैं बच्चे, तो ये हो गया ए बी सी और ये एल वन है ना, ये इसको ज्ञात करना है कितनी लंबाई होनी चाहिए। और ये हो गया बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए इसे बोल रहा है, ये थोड़ा बड़ा फिसलन पट्टी है, इसमें देखिए ये बोला है कि 1.5 का ये 3 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको L2 को ज्ञात करना है, तो इसमें लिख लेते हैं DEF में, ठीक ना, तो इसको लिखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है तो लिखेंगे, माना AB एवं DE फिसलन पट्टी की ऊंचाइयां हैं, एवं AC एवं DF फिसलन पट्टी की ये है लंबाइयाँ है ना, कितनी लंबाई, ये ऊंचाई कितनी है और ये लंबाई कितनी है, लंबाइयाँ हैं, इस प्रकार हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है, AB बराबर 1.5 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री और DE बराबर 3 मीटर और एंगल DFE बराबर 60 डिग्री है ना, ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले इस वाले में देखते हैं, तो कोण दिया हुआ है, लंब दिया है, तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए लंब बटे कर्ण करेंगे तो साइन 30 लिख लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ये हो गया साइन 30 है ना, ये होता है AB बटे AC है ना, तो साइन 30 का मान कितना, देखिए इसको चाहे इधर से लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें सही है ये, साइन 30 बराबर 1/2 और AB है 1.5 और AC को L1 और L2 लिख सकते हैं हम, ये L1 लिख सकते हैं या तो सीधे AC ही रहने दीजिए,
तो ये हो जाएगा एल वन बराबर 1.5 गुणे 2, तो ये हो गया 3 मीटर, है ना एल वन। तो पहले फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए, ठीक ना। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब वो डी ई एफ लिखते हैं। डी ई एफ में इसमें भी आपको साइन लगाना होगा, लंब बटे कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे साइन 60 बराबर डी ई बटे डी एफ, ठीक ना। साइन 30 का मान कितना, कर्णी 3/2 बराबर डी ई कितना है 3/ डी एफ को एल टू लिख सकते हैं, ठीक ना। अब तिरे गुणा कर लेते हैं इसका, तो इसी जगह कर्णी 3 × L2 बराबर 3 × 6, L2 बराबर 6/3, ठीक ना। तो कर्णी 3 का परिमेयकरण कर लेते हैं यहाँ पर, तो कर्णी 3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो 6 × 3/3, कर्णी 3 हो गया, 3 × 3 × 6, इस प्रकार 2 × 3 आ गया, है ना, ये मीटर में आ गया। दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयां 3.0 मीटर एवं 2 × 3 मीटर हैं, ये क्रमशः हो गया, है ना। क्रमशः मतलब पहले छोटे वाले का फिर बड़े वाला का हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में देखिए लिखा है मीनार के पाद बिंदु से, तो देखिए ये मीनार है, ठीक ना, और ये पाद बिंदु है, से 30 मीटर की दूरी पर ये रहा, और यहाँ से अगर आप मीनार के शिखर को देखेंगे तो ये उन्नयन कोण बनता है, और कितना बन रहा है इसका, तो ये है 30 डिग्री। तो मीनार की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे ए बी सी, और मीनार की ऊंचाई ए बी हमको ज्ञात करना है। तो लिखते हैं माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, है ना, और बिंदु डी बिंदु सी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक ना। और लिखते हैं इसके आगे, देखिए जो जो दिया है, बी सी बराबर 30 मीटर एवं कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ठीक ना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए हमको ये ज्ञात करना है, मतलब लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार क्या होगा, टेन होता है, इसलिए लिखेंगे ए बी बटे बी सी बराबर टेन 30 डिग्री, ठीक ना। ए बी ज्ञात करना है हमको और बी सी कितना है 30, टेन 30 का मान 1/3, तिरे गुणा कर लेते हैं तो कर्णी 3 × ए बी बराबर 30, तो ए बी बराबर कितना आया 30/3, है ना, कर्णी 3 पक्षांतर कर दिया। अब कर्णी 3 का ऊपर नीचे परिमेयकरण कर लेते हैं, ये आया 30/3 आ गया, तो 3 × 1 = 3 × 30, ये हो गया 10/3 ए बी बराबर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10/3
मीटर है, तो ये आ गया 10 करनी 3 मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक ना, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। चलिए 60 मीटर बना दिया और यहाँ पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर अस्थायी, अब देखिए ज़मीन पर इसकी डोरी को यहाँ बांध दिया गया है, ये बांध दिया गया यहाँ ज़मीन पर, ठीक ना। तो इसका बोलता है ज़मीन के संग इस डोरी का एंगल 60 डिग्री है। तो क्या ज्ञात करना है इसमें, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एल ज्ञात करना है ना, ये डोरी कितनी लंबाई पर है, ए बी सी। तो इसमें भी लिख लेते हैं, माना ए बी पतंग की ऊंचाई है, ठीक ना, कितनी ऊंचाई पर है, एवं ए सी पतंग के डोर की लंबाई है ना, कितना लंबा है। तो इसमें हो गया ए बी बराबर 60 मीटर, ठीक, और एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, लिख लेते हैं इसको। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें आपको ये ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। तो लिखते हैं ए बी बटे ए सी बराबर साइन 60, ठीक ना, ये मान दिया हुआ है और ये हमको मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यही दोनों भुजा हम लोग लेंगे। तो ए बी कितना है 60 और ए सी ज्ञात करना है, तो चाहे इसको आप एल भी ले सकते हैं या तो ए सी ही रहने देते हैं। साइन 60 कितनी है, साइन 60 का मान करनी 3/2 होता है, तो तिरे गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा करनी 3 ए सी बराबर 60 × 120। तो ए सी बराबर हो गया 120/3, है ना, और करनी 3 का परिमेयकरण कर देते हैं, तो करनी 3 ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये आया 120 करनी 3 बटे करनी तीन, तो 3 × 3 = 12, तो ये हो गया 40 करनी 3। तो ये ए सी का मान ज्ञात हो गया, है ना, मतलब पतंग के डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है ना, लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई चालीस करनी 3 मीटर, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 लिखा है, इसमें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो इसमें देखिए क्या करना है, देखिए ये है एक लड़का, ठीक ना, ये कितना ऊंचाई का है, 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर, ठीक ना, और एक स्थान पर ये खड़ा है, ठीक। अब देखिए इसमें बोलता है कि पहले अगर ये क्या लिखा है, इसमें भवन है ये, तो भवन से भवन की ऊंचाई को अगर ये यहाँ से देखे, तो ये देखिए ये हो गया, इसको खींच लेते हैं, इसको ये देखेगा तो इतना बन रहा है इसका, कितना इसका कोण बना, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक ना। और जब ये लड़का कुछ भवन की ओर गया, ठीक ना, तो कुछ दूरी गया, तो मान लिया ये यहाँ पहुँच गया, ठीक ना, ये यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से यहाँ तक चल के गया।
अब इसका इसका जब उन्नयन कोण कितना हो गया, ये हो गया आप 60 डिग्री, ठीक ना। तो अब होता है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूरी चल कर गया, ठीक ना। तो इसको नामकरण कर लेते हैं, लिखते हैं ए बी सी फिर डी ई एफ और जी, ठीक ना। और इसमें कितना ऊंचा है, यह है 30 मीटर कुल, है ना, भंवर की कुल ऊंचाई 30 मीटर दे रखी है, ठीक ना। तो अब देखिए इस बच्चे की ऊंचाई जो 1.5 मीटर है उसको इस 30 मीटर में घटाएंगे तो ये लंबाई ये ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक ना। तो अब हमको ये समकोण त्रिभुज एक ये दिख रहा है और एक समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है, तो इसके लिए पहले ए बी को पहले मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ए जी माइनस ये जो मान है ये बी जी, इसको माइनस कर देंगे तो ये पूरी लंबाई आ जाएगी। तो लिखते हैं इसमें पहले माना माना भवन की ऊंचाई, देखिए ए जी भवन की ऊंचाई है एवं डी ई बराबर सी एफ, ये कोई लिख लेते हैं पहले, एवं डी ई लड़के की लंबाई है, ठीक ना। अब इसमें देखिए जो लंबाई ये जो लंबाई है ये इसके तो बराबर ही होगा, ठीक ना। तो इसको लिखते हैं डी ई बराबर सी एफ बराबर बी जी बराबर 1.5 मीटर, ठीक ना। और इसमें देखिए ये पहले अब ए बी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर कुल ए जी कितना दिया हुआ है, यहाँ भी लिख लेते हैं ए जी बराबर कुल लंबा दिया है 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे ए जी माइनस ए बी, है ना, ए जी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो ए बी ज्ञात, ए बी में से बी जी, बी जी माइनस करेंगे तो 30 माइनस 1.5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 28.5 ये मीटर, ठीक ना, 29 30, तो ये हो गया। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में लिखेंगे क्या चाहिए हमको, देखिए ये हमको मालूम है और ये हमको ये ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं टेन लगा लेंगे, तो टेन 60 कितना होता है, देखिए लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी, तो टेन 60 का मान कितना होता है कर्णी 3 बराबर ए बी, देखिए ए बी कितना हमने निकाला 28.5 बटे बी सी, है ना। तो बी सी का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा बी सी बराबर 28.5 बटे कर्णी 3, है ना, ये अदला बदली कर दिया तो ये आ गया। अब देखिए ये कर्णी 3 से कट जाएगा, है ना, परिमेयकरण करेंगे तो कर्ण ये 3 के पाना से कट रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, ये परिमेयकरण कर लिया तो ये जाएगा 28.5 कर्णी 3 बटे कर्णी 3 कर्णी 3 3 हो गया, तो हो गया 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 पचे 15, तो इस प्रकार 9.5 करनी 3 ये बी सी का मान आ गया, ठीक ना। अब ये पूरा वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखेंगे इसमें भी 10 लगा लेते हैं, 10 30 बराबर ए बी बटे ये लंब और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का आधार ये बी डी हो गया, 10 30 का मान 1 बटे कर्णी 3 बराबर ए बी कितना है 28.5 बटे बी डी, यहाँ से यहाँ तक पूरा है तो लिखते हैं यहाँ पे बी डी क्या आ जाएगा, तो ये बी डी हो गया, बी सी बी डी हो गया, तो तिरेक बड़ा कर लेंगे तो बी डी बराबर इसका बड़ा इसमें तो 28.5 करनी 3, ठीक ना।
अब हमको क्या चाहिए, ये वाली चली गई दूरी, ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक चला है, तो बता ये दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चे के द्वारा चली गई दूरी क्या आ जाएगी, इस पूरे दूरी में से अगर ये दूरी हटा दें तो ये दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक ना। तो देखिए इसमें बी डी हमको पूरी दूरी ज्ञात है और यहाँ पर हमको ये बी सी ज्ञात है, इस पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं इसमें बच्चा लड़का लड़के के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर इस पूरे में से 28.5 करनी 3 माइनस 9.5 करनी 3, तो इसको हटा लेंगे तो जाएगा 28.5 माइनस 9.5 है ना, और करनी 3 तो 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 19 करनी 3 हो जाएगा, ठीक ना। 9 9 18 2, ये हो गया मीटर। इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, तो इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 7 में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक भवन है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए भवन हो गया, ठीक ना। अब भवन के शिखर पर एक मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार है ना, ये टावर जो होते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लग गया टावर। होता है भूमि के एक बिंदु से, मान लिया इस बिंदु से, ये बिंदु से क्या बोला है पहले, तल का मतलब जो टावर है इसके तल ये रहा, तल का कितना है उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, इसको ये दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी। लिखिए माना बी सी भवन की ऊंचाई है, बी सी भवन की ए वन ए बी संचार टावर की है ना, या संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई है ना, ये भवन की हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये भी संचार मीनार की ऊंचाई, जो हमको मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए इसमें लिखा है, इसको लिख लेते हैं, जो कोण लिखा हुआ है लिखेंगे बी डी सी बराबर 45 डिग्री एवं एंगल ए डी सी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। अब लिखते हैं, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए, पहले बी सी डी लिख लेते हैं ना, बी सी डी में है ना, छोटे वाले में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों लेंगे तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा 10 होता है, तो लिखेंगे 10 45 बराबर बी सी बटे सी डी, ठीक ना, ये लंब और ये आधार, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो इस प्रकार बी सी बटे बी सी डी, तो हो गया सी डी बराबर बी सी, ठीक ना, दोनों दूरियां लंब ये और ये बराबर हो गया। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे पूरा वाला लेंगे, अब ए सी डी में, तो ए सी डी पूरे वाले में लिखेंगे तो लिखेंगे 10 इसमें भी लगाएंगे तो लिखेंगे 10 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो 10 60 बराबर
ए सी बटे सी डी, ठीक ना। तो स्टेन 60 का मान कितना है, कर्णी 3 बराबर ए सी कितना है, ए सी ज्ञात करेंगे और सी डी कितना दिया है, तो सी डी देखिए अभी लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया सी डी, ठीक ना। इसमें कुछ दिया है और कोई लंबाई दिया है, ये लिखा है भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है ना, तो 20 मीटर ये दिया हुआ है, तो इस प्रकार ये हो गया। तो बी सी दिया हुआ है तो सी डी का मान आ जाएगा ये 20 मीटर, ठीक ना। अब यहाँ हम सी डी का मान 20 रख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार ए सी बराबर कितना आ गया, 20 करनी 3 आ गया, ठीक ना। अब हमको देखिए ए सी कुल लंबाई आ गई और इसमें दिया है सी डी और ये बी सी दिया हुआ है ना, ये पूरा ए सी हमको ज्ञात हो गया, बी सी दिया हुआ है, तो हम ए बी निकाल लेंगे इस पूरे में से, इसको माइनस कर देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, तो ए सी कितना है 20 करनी 3 माइनस बी सी कितना है 20, तो इसमें 20 कॉमन आ जाएगा तो जाएगा करनी 3 माइनस 1। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 करनी 3 माइनस 1 मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हल हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में लिखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक ना। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेडेस्टल क्या होता है, जैसे देखिए लिखा है क्या है पेडेस्टल के शिखर, देखिए मूर्ति जिस पर जैसे स्थापित की जाती है, ठीक ना, जैसे कभी चौराहे पर तो इतना ऊंचा पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ठीक ना, और इस पर मूर्ति को स्थापित की जाती है ऐसे। तो ये जो भाग है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक ना, जिस पर मूर्ति को रखा जाता है। तो इसी प्रकार ये लिखा है, तो इसको फोटो बनाते हैं। लिखा है पेडेस्टल के शिखर का, तो देखिए एक पेडेस्टल ये रहा, ये देखिए ये मान लिया पेडेस्टल है, ठीक ना, और उसके शिखर पर यहाँ टॉप पर लिखा 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है, तो ये हो गया 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी है, ठीक ना, और भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना, किसी एक बिंदु से मान लिया ये रही बिंदु, ठीक ना, किसी बिंदु से के बिंदु से शिखर के मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर ये रहा, तो यहाँ से बना लेते हैं इसको, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक ना, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, तो देखिए ये पेडेस्टल है तो इसका शिखर ये हुआ, तो इसका कितना दिया है, ये दिया है 45 डिग्री, ठीक ना। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये हमको ज्ञात करना है। तो लिखते हैं इस बार ए बी सी डी। देखिए इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये हमको ज्ञात करना था और ये दिया हुआ था, इस बार ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो लिखते हैं माना ए बी मूर्ति की ऊंचाई है, एवं बी सी पेडेस्टल की ऊंचाई है, ऊंचाई या लंबाई हो गया कि ऊंचाई है, ठीक ना। और इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर 1.6 मीटर, कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री, एवं कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री, ठीक ना। तो पहले अब एक पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी, और इसके बाद फिर बड़ा वाला लेंगे ए सी डी,
तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, लिखेंगे बी सी डी में, तो बी सी डी में फिर वही टेन लगाएंगे, टेन 45 बराबर बी सी बटे सी डी, लिखते हैं टेन 45 बराबर बी सी बटे सी डी, 45 का मान एक हो गया और इसमें बी सी बराबर बटे सी डी, तो ये हो जाएगा सी डी बराबर बी सी हो गया, है ना, दोनों की दूरियां बराबर, ये बराबर बराबर लंबाई की हैं। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला समकोण ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में फिर टेन लगा लेते हैं, तो ये टेन 60 बराबर ए सी बटे सी डी, ठीक ना, तो टेन 60 करनी 3 और ए सी कितना है, तो ए सी हमको पूरा नहीं दिया हुआ है, ये ब्रेक करके दिया हुआ है, लिख लेते हैं ए सी, और ये क्या है सी डी दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसमें लिख लेते हैं ए सी बराबर करनी 3 सी डी, ठीक ना, ये करनी 3 सी डी हो गया, और सी डी का मान क्या है बी सी के बराबर है, तो लिख सकते हैं ए सी बराबर करनी 3 बी सी, ठीक ना, तो ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए हमको इस पूरे ए सी में से, ठीक ना, पूरे ए सी में से अगर मैं बी सी घटा दूं, ठीक ना, ए सी में से बी सी को घटा दूं तो हमको ए बी प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए लिखते हैं बी सी बराबर ये हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, ठीक ना, तो बी सी का मान बी सी ही है, ए सी कितना है, पूरा ए सी कितना दिया हुआ है करनी 3 बी सी, तो लिखेंगे करनी 3 बी सी माइनस ए बी कितना दिया है 1.6 दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसको इधर करेंगे, इसको उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो जगह 1.6 करनी 3 बी सी माइनस बी सी, इसमें बी सी कॉमन है तो बी सी बराबर हो जाएगा करनी 3 माइनस 1, है ना, करनी 3 और यहाँ से बी सी बाहर चला गया तो वहीं बचा 1.6, तो इस प्रकार बी सी का मान कितना है 1.6 बटे करनी 3 माइनस 1 आया, ठीक ना, तो बी सी का मान आया। अब देखिए इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, तो देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा 1.6 बटे करनी 3 माइनस 1, इसका परिमेयकरण करेंगे तो करनी 3 प्लस 1 बटे करनी 3 प्लस 1, तो ये हो गया 1.6 और ये करनी 3 प्लस 1 बटे में ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका मतलब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे करनी 3 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1.6 करनी 3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक ना, करनी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1.6 और करनी 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया तो 2, 2 8 16, तो ये आया करनी 8 करनी सॉरी 0.8 करनी 3 प्लस 1, तो लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 करनी 3 प्लस 1 मीटर, ठीक ना, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8।